बिहार में कोरोना वायरस अब फुल स्पीड से बढ़ रहा है। हर दिन सूबे में 2000 से अधिक संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। पिछले 3 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो शनिवार को जहां 2803 पॉजिटिव मिले, वहीं रविवार को 2605 संक्रमित मरीज मिले। जबकि आज हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी आंकड़ों में 2192 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 41,000 को पार कर गई। सूबे में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 41,111 हो गई है। इनमें से 249 लोगों की जान भी जा चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालात पटना और भागलपुर के हैं। पटना में जहां मरीजों की संख्या 7,000 के पार है, वहीं भागलपुर में 2,000 से अधिक संक्रमित अब तक पाए जा चुके हैं। पटना का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां कोरोना नहीं पहुंचा हो। बिहार में पहली बार 4 दिन का बच्चा और 5 दिन की बच्ची कोरोना संक्रमित हो गए। दोनों का जन्म पटना के एम्स में ही हुआ। वहीं उनकी मां भी पॉजिटिव है। दोनों बच्चों को उनकी मां से अलग रखा गया है। उधर कोरोना ने दानापुर छावनी में भी दस्तक दे दी। सेना के कई जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस रफ्तार से लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जिससे सूबे में रिकवरी रेट भी गिरने लगा है। पहले संक्रमितों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक थी। 28 जून को यह 78.5% तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद कोरोना मरीजों की मिलने की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ और उसकी तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम होती गई। इस वजह से रिकवरी रेट में धीरे धीरे गिरावट होने लगी। हालांकि अभी बिहार का रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत से 4% अधिक है। पिछले 24 घंटे में 1788 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 26,308 लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। उधर सरकार ने जांच की रफ्तार भी बढ़ा दी है। शनिवार को एक दिन में 14,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच हुई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के संबंध में मिलने वाली शिकायतों का तेजी के साथ निपटारा करने का आदेश दिया है, ताकि परेशानी में पड़े लोगों को राहत मिल सके। स्वास्थ्य विभाग की इस बात का पूरा ध्यान रखें कि मरीजों और उनके परिजन को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री के आदेश पर कितना अमल हो पाता है, क्योंकि अभी अस्पतालों की जो स्थिति है उसे सुधारने के लिए बहुत काम करना होगा। अस्पतालों में ना तो उतने डॉक्टर हैं और ना ही दवाइयां, और अन्य सुविधाएं भी काफी कम हैं। लोग अस्पतालों के चौखट पर जाकर तड़प रहे हैं। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।